या अल्लाह मेरी जिंदगी को शमा की सूरत बना दे और मेरी तमाम मुश्किलात आसान कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे जा रहे हैं भाई चौक तक। मेरी जिंदगी में कितनी ही परेशानियां हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी चेहरे मुसलसल का नाम है। जी भाई साहब कितने पैसे? 100 रुपये। यार चलो भाई कोई मसला नहीं है, नहीं है पैसे कोई बात नहीं। नहीं यार पैसे तो हैं, बस मेरे पास तो पैसे कम है यार। बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, 4 दिन की जिंदगी है, आज खुशी गुजारो यार। बस मेरे पास यही पैसे हैं। सही है कोई बात, आप नाराज़ तो नहीं है? नो मैं नहीं। ज़िंदगी तो बाकी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी क्षमा की सूरत होती है, इंसान को हंसकल के गुजारनी चाहिए ज़िंदगी। लेकिन बस क्या करें, हालात आपको बताइए। सही है कोई, आप नाराज़ तो नहीं है? नहीं। ज़िंदगी क्या है? करिश्मा साजियों का एक मामूली सा तमाशा है जो हमेशा हमारी आंखों के सामने से गुजरता रहता है, मगर हम इसे समझना ही नहीं चाहते। अच्छा ये जो टॉपिक है, देखें ज़िंदगी शमा की सूरत, तो ज़िंदगी खूबसूरत है, ठीक है, बट ज़िंदगी में मुश्किलात और आसानियां साथ साथ हैं, ठीक है, लेकिन मुश्किल वक्त में इंसान को हिम्मत छोड़ के मायूस नहीं होना चाहिए और उस मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। इस चिड़िया के बच्चे में उड़ने की इस्तदा भर चुकी थी, वो अपने कुंजे निशेमन से निकलकर फजाए आसमानी के सामने आ खड़ा होता है, मगर अभी तक इसकी खुद शनासी का एहसास बेदार नहीं होता। वो अपनी हकीकत से बेखबर था। माँ बार बार इशारे करती थी, हवा की लहरें बार बार परों को छूती हुई गुजर जाती थी। जिंदगी और हरकत का हंगामा हर तरफ से इसे आ आकर बढ़ावे देता था, लेकिन इसके अंदर का चूल्हा इस तरह ठंडा हो रहा था कि बाहर की गर्म जोशी भी इसे गर्म नहीं कर सकती थी। लेकिन जो ही इसकी सोई हुई खुदशनासाई जाग उठी, इसे उस हकीकत का अरफान हासिल हो गया कि मैं उड़ने वाला परिंदा हूँ। अचानक कालिब हज्जान की हर चीज़ असरनो जानदार बन गई, वही जिस्म ज़ार जो बेताकती से खड़ा नहीं हो सकता था, अब सरकत खड़ा है, वही कांपते हुए घुटने जो जिस्म का बोझ भी नहीं सहार सकते थे, अब तन कर सीधे हो गए हैं, वही गिरे हुए पर जिनमें ज़िंदगी की कोई तड़प दिखाई नहीं देती थी, अब सिमट सिमट कर अपने आप को तोलने लगते,
वो करना चाहता है जो वो ख्वाहिश रखता है। यूँ मेरी ज़िंदगी के 4 साल रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मुकम्मल हुए। ये ज़िंदगी के 4 साल ही नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का फसाना है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात को पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ आपकी समातों में टकरा रही होगी, आप बेहतरीन होंगे और दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद राजा, प्रोग्राम सुर सितारे के साथ हमारा और आपका साथ अब से लेकर ठीक 2 बजे तक।